भगवान के काल में भगवान राम हुए थे और आज मुनि सुरतनाथ भगवान के चरणों में आप सबको भगवान राम की सिद्ध भूमि में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने को मिल रहा है। ये सही हो गए क्योंकि पहले ये विधान वहां हो रहा था, हमने बोला भैया वहां तो जम नहीं रहा, 24-24 भगवान जहां हो वहां करे तो और अच्छा, और 24 मंडल भी हैं और 24 तीर्थंकर भी विराजमान यहाँ पर हैं, ये भी एक संयोग है। फिर उसके बाद में आज प्रातः काल की या मध्याह्न की उस बेला में आप लोगों ने मिलकर ध्वजारोहण किया था, ठीक है ना, जिस प्रकार से ध्वजा लहराती रहती है हवा में उसी प्रकार से अपने जीवन को भी हम ऊंचा उठाएं और नम्र बनाएं, ऊंचा उठाएं और नम्र बनाएं, तभी तो लहराएगी, नहीं तो लहराएगी कैसी, ऐसी ध्वजा आपको संदेश दे रही है। और प्रातः काल की बेला में अष्टानिका के आज पर्व पर दोनों हम पहाड़ पर गए और पहाड़ की वंदना की, और वंदना करके उन वर्णाओं को ग्रहण किया जिन वर्णाओं को कभी सिद्ध प्रभु भगवान श्री राम ने ग्रहण किया था, उन वर्णाओं को महसूस किया कि कभी वो यहाँ बैठकर तपस्या किए थे और यहाँ से मोक्ष को प्राप्त किए थे। हाँ इतना जरूर है, भगवान राम कैसे बैठे देखा आपने, मांडी के पर्वत पर पीठ दिख रही है, मुंह नहीं दिखता, पीठ दिख रही है मुंह नहीं दिखता, ये इस बात का प्रतीक है। क्यों बोलो कि आप लोग उनको डिस्टर्ब ही मत नहीं करो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन क्या करेगा, किसी प्रकार से बेखबर हो जाना, बस दीवार की तरफ मुड़ करके बैठ गए। ऐसे वे भगवान राम, और ये भी है वे कामदेव थे, तद्भव मोक्षगामी, तो वे तद्भव मोक्षगामी जो कामदेव बलभद्र भी थे, बलदेव बलराम उनका पूरा नाम था, फिर बल हट गया तो राम अकेला रह गया, और ऐसे उन राम की कथा का आज से अपन विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। आपको प्रतिदिन कई प्रकार की रामायण अपने पास में देखने को मिलती है, भारतवर्ष में गीता प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई है, 300 प्रकार की रामायण का एक संकलन प्रकाशित हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने जो रामायण टेलीविजन में देखी उसके साथ साथ उन पहलुओं को भी हम लेंगे जो आज तक आपको भी मालूम नहीं होंगे। आचार्य रविसेन महाराज जी ने, अपन वो करें उससे पहले इसका मंडलाचरण और कर ले कि 24 दिन राज को प्रणमु बारंबार, राम कथा वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार, राम कथा वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार, अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन अपन करते हैं। जो एक पवन सरयू विमल सूरी आचार्य का प्राकृत में ग्रंथ था, फिर संस्कृत में आचार्य रविसेन आचार्य ने 18,000 श्लोक प्रमाण, संस्कृत के 18,000 श्लोक प्रमाण वह ग्रंथ रचा, और उसमें भगवान राम का जीवन से लेकर अंत तक का, बल्कि 4 महावंशों का वर्णन है उसमें, इक्ष्वाकु वंश पहला, दूसरा है जिसको अपन इक्ष्वाकु वंश को सूर्य वंश भी बोलते हैं, सोम वंश जिसको चंद्र वंश भी बोलते हैं जिसमें, और तीसरा है विद्याधर वंश, और चौथा है हरि वंश,
इन चार वंशों का वर्णन है। एक बात बता दूं कि रावण विद्याधर वंश में राक्षस वंश होता है, उस राक्षस वंशी थे, राक्षस नहीं। हनुमान वानर वंशी थे, वानर नहीं। समझ में आ रहा है? महापुरुष यही मांडी तुंडी से मोक्ष गए हैं, हनुमान भी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें बहुत उदार होकर आज इस रामायण का शुरुआत जो कर रहे हैं आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण, उसमें भी 24,000 श्लोक लिखे और उसकी रचना आप लोगों को मालूम है कौन ने की? गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। हाँ, रत्नावती जिन्होंने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बनाया। और उनकी भी कथा एक अलग है, वो एक डाकू थे रत्नाकर नाम के, लोगों को लूटते थे, उनके हाथों की उंगलियां काटकर अपने गले में पहनते थे, उसको अंगुली मार कहते थे। लेकिन जब एक संत ने संबोधन दिया कि तुम जो पाप कमा रहे हो, उस पाप में क्या तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हारे बच्चे शामिल हैं? नहीं शामिल है। तब उसकी वह माला तोड़कर फेंक देता है और उसी दिन से वह भगवान राम की भक्ति में डूब जाते हैं। और फिर भगवान राम के उन छंदों का अनुवाद किया और उसको जो अपने तुलसीदास जी की जो वाल्मीकि रामायण है, उसको तुलसीदास जी ने 24,000 श्लोक प्रमाण जो रामचरितमानस के नाम से विख्यात हुई, रामचरितमानस। और फिर उसके बाद में आपके असम में असम असीमा रामायण रामायण चलती है, कर्नाटक में पंप रामायण, तमिल में कंब रामायण, केरल में अध्यात्म रामायण, आंध्र प्रदेश में रंगनाथ रामायण और आपके महाराष्ट्र में एकनाथ रामायण, एकनाथ रामायण चलती है। और बंगाल में कृति रामायण, तिब्बती में भी राम की कथा बाँची जाती है, इंडोनेशिया, तिब्बत और इंडोनेशिया वहां पर भी रामायण प्रचलित है। इस प्रकार से और प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी अपने चिंतन से एक आध्यात्मिक रामायण की रचना की है। एक दिन उसके बारे में बताऊंगा, गजब की रामायण है वह आध्यात्मिक। क्या है राम, कौन है राम, कौन है सीता, कौन है लक्ष्मण, कौन है भरत, कौन है दशरथ, ऐसे कम से कम 100-150 पात्र उनका एक चित्रण करके उन्होंने प्रस्तुत किया, वो आध्यात्मिक रामायण के नाम से है। आज अपन इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। वही राम जो कभी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, राजा दशरथ और माँ कौशल्या। अयोध्या में राजा दशरथ की चार पत्नियां कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा, केकई और सुप्रभा। ठीक है, ये चार पत्नियों से कौशल्या से उत्पन्न हुए भगवान श्री राम, और सुमित्रा से लक्ष्मण, केकई से भरत और सुप्रभा से शत्रुघ्न। ठीक है ना, कहीं कहीं पर तीन रानियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन चार रानियां और चार पुत्र, कुछ भी हो चार पुत्र में किसी को कोई शक नहीं है, चार पुत्र उनके थे। ये सब क्षत्रिय थे। क्या थे ये? क्षत्रिय। आप लोग सब क्या है? बढ़िया। क्या है? बढ़िया। लेकिन क्षत्रिय भी बन सकते हो, इधर बैठे हैं ना ये क्षत्रिय। क्षत्रिय वो होता है जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है, और बढ़िया जो होता है वो डंडी पर ध्यान रखता है, कमती बेसी है ना। क्षत्रिय के हाथ में तलवार होती है, तलवार और कुछ नहीं। आनम जानम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। समझ में आई? ये क्षत्रिय का कमाल होता है। आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं क्षत्रिय बनो, बढ़िया नहीं, डंडी की तरफ ध्यान मत रखो, नहीं तो तलवार की एक पड़ेगी। समझ में आएगी? इसलिए क्षत्रिय बनोगे तभी हम उस पुरुषार्थ को, मोक्ष पुरुषार्थ को पा सकते हैं। हमारे देश का नाम भी जो भरत पड़ा, भारत पड़ा है, वो किसके नाम से पड़ा? भारत के नाम से। इधर जो है मिथिलापुरी
उस मिथिलापुरी में राजा जनक और राजा रानी विदेहा, उनकी एक साथ युगल संतान ट्विंस हुए, कौन? सीता और भामंडल। लेकिन क्या करें, पूर्व भाव का बैर पीछा नहीं छोड़ता। भामंडल को पूर्व भाव का बैरी उठा ले गया, उठा ले गया कौन? हाँ, एक भवनवासी देव था और वो आया और उसका उससे बैर क्यों था इसको दो मिनट बताते। उसका बैर इसलिए था कि पूर्व भाव में पिंगल नाम का एक ब्राह्मण था, वो पढ़ने के लिए एक आश्रम में गया, वहाँ चितोत्सवा एक उसकी बेटी थी, उससे प्रेम हो गया और प्रेम हो गया, प्रेम होने के बाद उसमें लिखा है फिर पढ़ाई थोड़ी होती है, पढ़ाई नहीं होती फिर। अब लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, इसलिए को एजुकेशन का हमेशा विरोध होता था। तो वहां पर उनके शिक्षक की बेटी को देखा, प्रेम हुआ, वो चले गए। अब जो राजा चंद्रगति था, उस कुंडल मंडित राजा का उस लड़की पर प्रेम हो गया, तो उसने जो पिंगल नाम का जो ब्राह्मण था उसको रास्ते से अलग कर दिया। राजा को सेनापति को जब मालूम चला कि ये इसकी पत्नी नहीं, ये उठा के लाया है, उसने राजा को अलग कर दिया। उस राजा मरकर वनवासी देव हुआ और पिंगल मरकर भामंडल का जीव हुआ। तब वो उसको उठा के ले गया। वहां पर विमान से उसको चट्टान पर फेंकने वाला था, लेकिन देखो पुण्य और पाप किस प्रकार से साथ चलते हैं, पुण्य और पाप किस प्रकार से साथ चलते हैं। तुरंत आया, अरे ये अबोध बालक, छोटा सा बालक, इसको मैं क्यों मारूं? और इसकी माँ से अलग तो मैंने कर ही दिया है, माता पिता को कितना दुख हुआ होगा। आप ये तो सोचो, पैदा होते ही पुत्र का मुख भी नहीं देखा और अपहरण हो गया, पैदा होते ही पुत्र का मुख भी नहीं देखा और अपहरण हो गया। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है, सीता से ही संतोष करना पड़ा। इधर उस देव ने दोनों कानों में कुंडल पहनाए और एक विद्या होती है पर्ण विद्या, और एक पत्ते पर उसको लेटाया और पर्ण विद्या के सहारे नीचे छोड़ दिया। तभी उधर से एक विद्याधर जिसका नाम था चंद्रगति, वो चंद्रगति विद्याधर उधर से जा रहा था, उसने भीषण वन में चट्टान के ऊपर एक बालक को देखा, रोते हुए आवाज सुनी, अरे यहाँ ये बालक कैसे आया? देखता है वाह कितना सुंदर बालक है, और देखते ही मोहित हो गया, उसको उठाया अपने विमान में लिया। उसकी जो पत्नी थी वो बांझ थी, पुष्पवती। तो चंद्रगति विद्याधर और पुष्पवती, उसने पत्नी को बोला, देखिए तेरे बालक है नहीं, और आज हमें ये नियोज से प्राप्त हुआ है, कोई प्रभु ने ही हमको ये बालक दिया है। वो इतना सुंदर और कानों में कुंडल पहने हुए थे, उसका नाम क्या रखा? चंद्रगति ने उसका नाम रखा भामंडल। बस भामंडल वह नाम रखा। और इधर सीता को 64 कलाओं में निपुण किया, पुरुष की 72 कलाएं, इसको ठीक कर दिया भाई, पुरुष की 72 कलाएं होती है और महिलाओं की, अभी तो बताया, हे भगवान दो तो उसी में कम कर दिया, 64 कलाएं, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार, एक जीव की जीविका है और एक जीव उद्धार है, इसलिए हमें अपने इस जीव का कल्याण करना है तो अपने आप को प्रभु राम की कथा से जोड़ना होगा।
प्रभु राम की यह कथा केवल मात्र कथा नहीं है, इस कथा के माध्यम से हम अपनी व्यथा को हर सकते हैं, अपनी व्यथा को दूर कर सकते हैं। इसलिए व्यथा को दूर करना है तो ये कथा आपके काम की है। तो राम की इस कथा के माध्यम से हम अपनी व्यथा को हर सकते हैं। वहाँ पर चंद्र जो गति विद्याधर था उसने उसका नाम भामंडल रखा। इधर मिथिलापुरी में जो सीता थी वह बड़ी हुई और एकदम से मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। हमने क्या किया, राम का चरित्र तो बहुत पढ़ा लेकिन जानकी का चरित्र ज्यादा नहीं पढ़ा। लोग राम की तो पूजा करते हैं लेकिन सीता को भूल जाते हैं, सीता को भूल जाते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां एक कवि ने कही है कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गई, जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जितने भी प्रश्न थे वो सब शोक में बदल गए। अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं ये वाली इस कविता की। सिद्ध कुछ हुए ना दोस्त, सिद्ध कुछ हुए ना दोस्त, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। आज इतना ही रखते हैं तो इसलिए अहिंसा परम धर्म की। सबसे पहले तो बच्चों अभी आपने जिस मंत्र का उच्चारण किया उसको सामान्य मंत्र मत मानना। ओंकार की ध्वनि इतनी पावरफुल है कि आपके ऊपर से लेके पूरे शरीर को एनर्जीवान बना सकती है, शक्तिशालीवान बना सकती है, ऊर्जावान बना सकती हैगी। परंतु जितने लोग थे सबको देखा, सभी लोगों ने इस ओंकार की ध्वनि को शुद्ध नहीं किया। जब शुद्ध नहीं कर पाए, जो तरीका है उसका तरीका नहीं कर पाए तो उसके रिजल्ट नहीं मिले। जो शिक्षक वर्ग है उनको भी देख रहा था, जो बड़े वर्ग है उनको भी देख रहा था और बच्चों को भी देख रहा था। सब लोगों ने उसका उच्चारण गलत किया। सबसे पहले इतना तो सिखा जाऊँ मैं, क्योंकि और इसको सीखने के साथ प्रतिदिन उठने के साथ हमेशा इस ओंकार ध्वनि को करना। इसके माध्यम से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके जीवन में शांति और सुख आता चला जाएगा। लेकिन करना कैसे है, कैसे करना है उसको सीख लें। इसका जो तरीका है ओ है, वो कंठ से उच्चारण करना है और माँ का नाक से उच्चारण करना है। सभी लोगों ने माँ का होठ से उच्चारण किया था लेकिन ये जो माँ का उच्चारण है नाक से करना है। कहाँ से करना है, नाक से करना है। मतलब म ही निकलेगा लेकिन ध्वनि कहाँ से आएगी, नाक से निकलेगी। हमें सिर्फ म नाक से निकालते जाना, एक ध्वनि निकालना, ना तालु ना जीभ ना कंठ कुछ नहीं, सिर्फ नाक से म को निकालना। आपके शरीर की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, एनर्जी वाले आप बन जाएंगे। मैं एक बार कर रहा हूँ, सब लोग मुझे देखना, फिर वैसे प्रतिदिन इस ओंकार ध्वनि को करना, आपका जीवन बहुत ऊंचा उठ जाएगा। बहुत पावरफुल मंत्र, सभी संप्रदायों में इस ओम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों में इसको ओंकार को बहुत महत्व दिया है। इसकी आप महत्वता को समझें और प्रतिदिन करें। देखें कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मेरा लग जरूर रहा है लेकिन सबको एक अच्छी चीज़ सिखा के चला जाऊँगा तो और अच्छा रहेगा। देखें पहले सांस लेना है, ओम ये तरीका है। ओ को कंठ से लेना है और माँ को कहाँ से लेना है, नाक से। रेशो रहेगा 30-70, 30% ओ 70% माँ। इस प्रकार से आप ओम के उच्चारण को करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ आपके जीवन में इस ओम के माध्यम से आ जाएगा। क्योंकि मंत्रों के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है, बस आस्था और श्रद्धा अंदर से चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। एक छोटी सी बात से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। एक भाई था, अपनी आजीविका के लिए नौकरी के लिए पहुँचा एक संस्थान में, बहुत बड़ी संस्थान थी, इंटरव्यू देने पहुँचा। सभी बच्चों की कहानी हो सकती है, सुनो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी आप लोगों के बीच की कहानी है। वो इंटरव्यू देने पहुंचा, देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और सीट कितनी
एक, और लोग बहुत सारे, अब इतने सारे लोग और वो अकेला। अब वो विचार कर रहा था मन ही मन में, देखो क्या उसके मन में चल रहा है, उसका मन देखो कैसा हैगा। उसके मन में चल रहा हैगा अगर नौकरी मिल जाती है तो रोज रोज की टेंशन खत्म, रोज नल बंद किया कि नहीं, लाइट बंद करी कि नहीं, बिस्तर व्यवस्थित किए कि नहीं, अब कपड़े अपने स्थान पर रखे कि नहीं, टॉवेल रखा कि नहीं, माता पिता से परेशान हो गया हूँ मैं, अब जो है नौकरी मिलती है उस घर को छोड़ दूंगा, अलग अपना घर, अलग अपनी ज़िंदगी, सब त्रस्त हो चुका अपने परिवार से, ऐसे मन में उसके भाव चल रहेंगे। इस प्रकार के भावों को लेकर वो चल रहा था और देखता है कि जो इंटरव्यू वाला जो स्थान था, वो जो इंटरव्यू वाला स्थान था वो वहाँ ऊपर बुला लिया सब लोगों को, नीचे जो स्थान था वो खाली हो गया। उसने देखा नल चल रहा है, माँ की याद आई, उसने नल बंद कर दिया। उसने देखा ये कचरा पड़ा है, वो कचरा उसने डस्टबिन में डाल दिया। कुर्सियाँ अव्यवस्थित थी तो उसने कुर्सियाँ व्यवस्थित कर दी। अब ऊपर फिर जाने लगा, पिताजी की याद आई, पिताजी कहते हैं लाइट फालतू नहीं जलना चाहिए, अनर्दंड लगता है, उसने लाइटें बंद कर दी। अब ये सब किया और करने के बाद वो ऊपर पहुँचा। अब वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो सब लोग जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे ना, वो इंटरव्यू देके बोले थे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ फाइल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, नीचे उतार देते हैं, पूछते ही नहीं है। वो घबरा गया, फाइल में मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वहाँ पर मेरा उस फाइल के माध्यम, बोले बस चेहरा देखते हैं, फाइल देखते हैं नीचे। अब वो घबराते घबराते जब उसका नंबर आया, वो जैसे ही अंदर पहुँचा, अंदर पहुँचते ही उन्हें उसका चेहरा देखा, फाइल देखी, कब ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, कल से आ सकते हैं आप? तो वो एकदम सक पका गया कि कल से, बोले ध्यान रखना यहाँ पर लगा है कैमरा, इस कैमरे से नीचे आपने कुर्सियों को व्यवस्थित किया, डस्टबिन में कचरा डाला, नल बंद किया, लाइट बंद करी, तो ये सब जो आपने चीज़ें करी ना, ऐसा ही व्यक्ति हमें चाहिए था, वही इंटरव्यू था आपका, वही इंटरव्यू था आपका। तो बोले अब वो खुशी से झूम उठा। अभी तो वो माता पिता के लिए क्या सोच रहा था, वो घर पहुंचा और माता पिता के चरणों में कि आपने जो संस्कार दिए थे, आपने जो हमें बातें सिखाई थी, उन बातों ने ही मुझे आज नौकरी दिलाई है, मेरी शिक्षा ने नौकरी नहीं दिलाई है, आपके संस्कार ने नौकरी दिलाई है। इसलिए ध्यान रखो बच्चों, हमारे गुरु हमारे माता पिता अगर सिखा रहे हैं बता रहे हैं तो किसके लिए सिखा रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए सिखा रहे हैं, हमें अच्छा बनाने के लिए सिखा रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, उनकी तो हमें समय क्या करना चाहिए, विनय करना चाहिए, उनके प्रति तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, अंदर से अहोभाव आदर भाव होना चाहिए, तब हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। अभी अभी बात चल रही थी, एक बहन ने पूछा था, तो उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं कि पाँच बातें हैं, एक है बैड एटमॉस्फेयर, एक है बैड कंपनी, एक है बैड हैबिट, एक है बैड लिटरेचर और एक है बैड थॉट्स। इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो बैड एटमॉस्फेयर क्या है? वातावरण, ये वातावरण जैसा मिलता है वैसे हम बन जाते हैं। वातावरण के कारण ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारा माहौल कैसा है, अगर हमारा माहौल अच्छा होगा तो ही हम अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि अगर माहौल ख़राब है तो निश्चित तौर से हम भी अपने जीवन को अच्छे की वजह बुरा नीचे की ओर ले जाएंगे। तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है वो हमें चिंतन करना है। और दूसरी बात बैड कंपनी, बैड कंपनी क्या, बैड कंपनी से मतलब मित्रता। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके मित्र कैसे हैं? एक होता है थाली मित्र, एक होता है थाली मित्र। थाली मित्र मतलब क्या, सिर्फ जो भोजन करेगा, नाश्ता करेगा, होटल ले जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, खाने पीने से मतलब, वो थाली मित्र, वो आपके थाली मित्र तो नहीं है। एक है ताली मित्र, कौन सा, ताली मित्र। ताली मित्र मतलब क्या, बस आपके तुच्छ बातों पर आपको ऊपर चढ़ाएगा, आपका क्या मक्खन लगाएगा और आपसे बहुत अच्छा अच्छा कह करके और आपसे काम निकालेगा, वो क्या मित्र होता है, ताली मित्र। अब आपके ताली मित्र हैं, खाली मित्र हैं। और तीसरा बोले कौन सा मित्र होता है, तो बोले तीसरा है प्याली मित्र। प्याली मित्र से मतलब क्या है, बस उसको मतलब क्या है, वो तो प्याली मित्र से मतलब ये कि बस व्यसनों में आपको लगाएगा, वो आपका जीवन बर्बाद करेगा, आपके जीवन में रुचि जे उसको अरुचि कर देगा, वो है प्याली मित्र। और चौथा मित्र क्या है, खाली मित्र। खाली मित्र, खाली मित्र वो है जो सिर्फ क्या, आपके समय को बर्बाद करेगा, आपके जीवन को उत्साह शून्य बनाएगा, आपके जीवन में खालीपन लाएगा, समय बर्बाद करे वो क्या मित्र, खाली मित्र। ये चारों मित्र अपने जीवन में नहीं रखना। फिर कैसे मित्र रखना है, किस प्रकार का मित्र बनाना है, तो बनाना है बच्चों माली मित्र। कैसा मित्र बनाना है, माली मित्र। माली मित्र क्या कहलाता है उसको समझते हैं अपन। जैसे एक पौधा होता है,
उस पौधे में सुंदर खाद, पर्याप्त जल दिया तो पौधा सुंदर उसकी देखभाल कर कर वो बहुत रमणीय और सुंदर बन जाता है। और जहाँ लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो माली क्या करता है, कटिंग कर देता है। तो माली मित्र वो होता है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में शुद्ध शुभ निमित्त लेकर जो आता रहे, सम्यक प्रेरणा जो आपको देते रहे, अशुभ तत्वों से जो आपको बचाता रहे और हमेशा क्या करे, कटनी करता रहे, आपकी बुराइयों को निकालता रहे, काटता रहे, बताता रहे, वो है माली मित्र। तो ऐसे मित्र को रखना जो आपकी बुराइयों को निकालते चले जाए, जो आपके जीवन को गौरवशील, वंदनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय बना दे, ऐसा मित्र होना चाहिए। क्योंकि वातावरण का सबसे ज़्यादा, एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा फर्क मित्र करता है। मित्र से ही आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। माली मित्र मतलब वो जो निराशा के समय में आपको साहस भरता हो, वो है माली मित्र। सुनना बच्चों, क्या होता है माली मित्र, जो निराशा के समय में जो आपके जीवन में साहस भरता है वो माली मित्र, मुश्किलों के समय जो आपको साथ देता है वो माली मित्र, संवेदनशीलता के अकाल में जो आपको स्नेह देता है वो माली मित्र, 24 घंटे में जो आपके हित को लक्ष्य में रखते हुए आपके लिए सोचता है, वह है माली मित्र। ऐसे मित्र को अपने को बनाना है। क्योंकि स्वजन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मित्र तो आपको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और जब ढूंढोगे खोजोगे तभी वो आपको मिलेगा। तो अपनी मित्रता बहुत सोच समझ के करना, मित्र और गुरु दो लोग बहुत सोच के बनाना, कि सच्चा मित्र हो और सच्चा गुरु हो। क्योंकि मित्र और गुरु ही हमारे जीवन के आदर्श होते हैं, हमारे जीवन के उच्चता की ओर ले जाने वाले होते हैं। इन दो की बहुत परीक्षा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरी एक बात हमारी चल रही थी कि बैड लिटरेचर, बैड लिटरेचर से तात्पर्य यही है कि जो आप का जो मोबाइल है, उस मोबाइल पे आप जो देख रहे हो वो क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, बैड लिटरेचर, बैड लिटरेचर। अब ये बैड लिटरेचर में अगर आप लग गए हो, मोबाइल आपके जीवन में आ गया है, तो ये मान के चलना, मोबाइल का मना नहीं कर रहा हूँ मैं, मोबाइल अगर है तो अच्छे काम में आप ले सकते हो। अच्छे काम में कैसे, आपके जीवन में मोबाइल बहुत उपयोगी भी हो सकता है। कैसे उपयोगी होता है जानना चाहते हो आप? अच्छा चलो, आज आपके बीच में बहुत अच्छी बात रखता हूँ। सभी लोगों को अपने दिमाग को बढ़ाना है, सभी लोगों को फर्स्ट डिवीजन में मेरिट लिस्ट में आना है, आना है, सबको आना है मेरिट लिस्ट में, जितने बैठे सबको आना है मेरिट लिस्ट में, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, या तो कॉपी पेन करके उसको नोट कर लो, या मोबाइल हो तो नोट कर लो। आपको आपके नोट्स बनाने का तरीका, आपको याद करने का तरीका, आपको किस प्रकार से बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को व्यवस्थित कर याद करने के तरीके आपके बीच में रख रहा हूँ मैं। और ऐसे तरीके हैं कि मैं आपको बताऊँ, इन तरीकों को जिनने फॉलोअप किया है, बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने बताया ये सब तरीके जिनके सामने रखे, उनने जीवन में वो IAS जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, वो CA जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, वो IIT जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं। वो तरीका आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, वो बातें आपके बीच बता रहा हूँ। बहुत कम समय में आप हंसी खेल में अपनी पूरी बुक को याद कर लोगे, पूरी बुक को आप रट लोगे, और आपको कभी भी एक बस इस एक ही चीज़ की कमी रहती है, वो रहती है मालूम है क्या, कॉन्फिडेंस। क्या मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप लोगों के बीच में, जो तरीका रख रहा हूँ, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊँचा उठा देगा, आपके कॉन्फिडेंस को पावरफुल बना देगा। बच्चा हमेशा एग्जाम हॉल में जाने के बाद बीमार तक पड़ जाता है आत्मविश्वास की कमी से। और मैं आप सबको आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके दे रहा हूँ, कैसे आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, लिख सकते हो तो लिख लो, ऐसी अनमोल बातें आपको शायद नहीं मिलेगी। कैसे, और जो लोग बड़ी कक्षा वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपको आगे जाना है, कुछ बनना है तो इस माध्यम से बनना। हाँ, आप ध्यान से सुनो, इसमें 5 चीज़ों की आवश्यकता है, 5 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हैं 12 कलर के पेन, 12 कलर के पेन। दूसरी चीज़ है 6-7 जितने सब्जेक्ट हैं उतनी बड़ी डायरी, बड़े नोटबुक्स। तीसरी चीज़ है छोटी पॉकेट साइज़ वाली डायरी जो आपके जेब में आ जाए। चौथी चीज़ है ईयरफोन, जो आपके मोबाइल में रहता है ना वो ईयरफोन। पांचवी चीज़ है आपका मोबाइल। कुल 5 चीज़ों में आपके दिमाग को बहुत अच्छा बना दूँगा, बहुत कम समय में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। अब ये 12 कलर के पेन क्यों, वो समझना, 12 कलर के पेन क्यों, क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकली मैं रख रहा हूँ। आप अगर एक फोटोकॉपी वाला पेज पढ़ोगे तो शायद दो जो पेज है या पुस्तक जो एक जैसी बिना कलर की रहती है उसको आप देखोगे तो एक ऊप से जाओगे। और वहीं अगर आपके नोट्स जो रहेंगे कलर्ड में रहेंगे, अब कलर्ड में कैसे बनाना है,
एक क्वेश्चन से, उस एक क्वेश्चन को आप 5, 6, 7 टॉपिक में आपने बांट दिया, कोई भी क्वेश्चन से उसको 6, 7 टॉपिक में आपने बांट दिया, तो एक टॉपिक को एक कलर में, दूसरे टॉपिक को दूसरे कलर में, तीसरे टॉपिक को तीसरे कलर में। अब देखो मैं आपके सामने अपने नोट्स रख रहा हूँ, ये मेरे नोट्स है, बचपन से ऐसे नोट्स बनाते आया हूँ मैं। क्या करता हूँ मैं नोट्स ऐसे ही बनाता हूँ, एक एक टॉपिक को एक एक कलर में, एक एक टॉपिक को एक एक कलर में, ऐसे बनाते चलना है अपने को। तो ये क्यों, कारण ये है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएगा लाल कलर में ऐसा लिखा था, नीले कलर में ऐसा लिखा था, तो वो नीचे वाले है जो पहले ग्राफ में ऐसा लिखा था। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न लिखना है, उस प्रश्न के टॉपिक बनाना है, उन टॉपिकों को अलग अलग कलर में लिखना है। ये बड़ी डायरी पे अपन नोट्स बना रहे हैं, उसका हेतु क्या है, हम एक साथ काला कलर याद नहीं रख पाते हैं, एक साथ नीला कलर याद नहीं रख पाते हैं, तो ये जो हमारी जो डायरी रहेगी, जो हमारे नोट्स रहेंगे, ये बहुत पावरफुल हमें बना देंगे। ये आपको पूरा एक क्वेश्चन तैयार कर लिए, मान लीजिए आपका जो एक कोर्स है, एक बुक है, उसके कितने 100 क्वेश्चन है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 100 क्वेश्चन की एक विषय हो गया, मान रहे अपन 100 क्वेश्चन हैं पूरे एक सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन की एक बड़ी डायरी तैयार होगी। अब क्या करना है, अब समझना बच्चों, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अब वो जो आपने क्वेश्चन तैयार किया, उस क्वेश्चन को जो आपने तैयार किया 5 कलर में, उसके नीचे हर पेज पर हर प्रश्न के उत्तर के बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम। वो डायग्राम क्या रहेगा, वो डायग्राम कैसा रहेगा, आप झोपड़ी बना सकते हो, आप बैल बना सकते हो, आप बकरी बना सकते हो, आप गाय बना सकते हो, जितने प्रश्न उतने अपने खुद के दिमाग से डायग्राम बनाना है। अब उस डायग्राम का क्या करना है, तो उस डायग्राम में आपको, जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट्स थे उस प्रश्न के, तो आपको क्या करना है, आपको पेड़ पर, उसके दूसरे पेड़ पर, तीसरे पेड़ पर, उसके चेहरे पर, वो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, उन 4 पॉइंट्स को लिखना है, जो आपने 4 या 5 जितने पॉइंट्स बनाए थे उस प्रश्न के, उनको आपको ड्रा करना है। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, बड़ी डायरी की बात चल रही, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, 100 प्रश्न 100 उत्तर, उन 100 प्रश्न 100 उत्तर में आपने 100 जो है क्या कर लिए, अलग अलग डायग्राम तैयार कर लिए। डायग्राम आपने तैयार कर लिए हैं, और एक पूरा आपने बुक को, एक पूरी बुक आपकी बड़ी बुक तैयार हो गई। महाराजी डायग्राम क्यों बनवाए आपने, अलग अलग कलर में तो बता दिया, डायग्राम क्यों आपको बताएं हम, आप हंसी खेल में आप अपने को बिल्कुल भी ऐसा मन उबेगा नहीं, और आप उस 100 जो डायग्राम बनाए, जब आप उस पूरे प्रश्न को याद करोगे, याद करने के बाद जब आप रिवाइज करोगे, तो आप 15 मिनट में सिर्फ ड्राइंग्स जो देखोगे, बेल को, गाय को, झोपड़ी को, उसको देखते हुए पूरा सब्जेक्ट 15 मिनट में आप पूरा का पूरा याद कर लोगे, 15 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो सिर्फ ड्राइंग्स के माध्यम से। क्योंकि आपको एक बात बताएं, आप जैसे मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं, है ना, मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं, अब वो जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, उन 6 सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, एक सब्जेक्ट को पढ़ा, अब वो एक सब्जेक्ट के बाद अगले सब्जेक्ट की बारी कब आएगी, अब अगले जो सब्जेक्ट की बारी आ रही है, मान लीजिए अब आज आपने याद कर लिया, महीने भर बाद हमने जो याद किया था, आज अभी याद किया जो हमने, अब वो महीने भर बाद हमें याद रहता है क्या, हमें क्या लगता है, हम भूल से गए, हमें ये लगता है ना, हम भूल से गए, हमने जो महीने भर पहले याद किया था हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है। अब वो महीने भर बाद भी आप 15 मिनट में आप उस पूरे जो आपने ड्राइंग्स बनाई है, आधे घंटे में हंसी हंसी खेल में, वो आधे घंटे में पूरे उन पेपरों के माध्यम से, उन ड्राइंग्स के माध्यम से अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कर सकते हो उन ड्राइंग्स के माध्यम से, और हंसी खेल में हो जाएगा, लगेगा नहीं कि हमने पूरा पूरा बुक हमने आधे घंटे में रिवाइज, कोई है तरीका इतना कि आधे घंटे में आप उस पूरी बुक को रिवाइज कर सकते हो उन जो डायग्राम बनाए उनके माध्यम से। क्योंकि इससे क्या होगा, जो हम एक बार अपने पूरी बुक को या देख लेंगे, उन डायग्राम्स को देख लेंगे, वो पूरे डायग्राम्स आपको अपने एग्जाम हॉल में याद आएंगे, हमने झोपड़ी बनाई थी, हमने बेल बनाया था, बेल के पेड़ पे लिखा था, वो जब आपको एक पॉइंट याद आ गया, तो अपने आप फिर क्या होता है, वो पूरा क्वेश्चन का आंसर अपने आप छप जाता है और आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, आधे घंटे में आपने उसको पूरा रिवाइज कर लिया है। तो ये एक बड़ी डायरी हो गई, बड़ी डायरी क्या, 100 प्रश्न, अलग अलग प्रश्न में 5 पॉइंट्स, और एक अपने को ड्रॉ करना है। अब दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात छोटी डायरी, अब छोटी डायरी में क्या करना है आपको, वो जो आपने प्रश्न उत्तर तैयार किए उसके 5-5 पॉइंट्स लिखे हैं, अब उस छोटी डायरी में आपको 5 पॉइंट करके 100, 125 जितने प्रश्न है वो छोटी डायरी तैयार करना है। अब वो जो छोटी डायरी है अपने जेब में रखना है, और जब आप विद्यालय जा रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक उस छोटी वाली डायरी को आपको रिवाइज करना है।
जो आपने तैयार कर ली। और बहुत इजी होता है, हम लक्ष्य बना लेंगे तो वो अपने आप सुबह से लेकर शाम तक वो पूरी डायरी रिवाइज हो जाएगी, और पूरी डायरी को आप रिवाइज कर सकते हैं छुट्टी वाली। रविवार को ये, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, ऐसे सातों दिन की सात डायरी रख ली और छोटी वाली डायरी हमने रिवाइज करते चले, तो वो जो डायरी है उसके माध्यम से भी हम एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, छोटी डायरी हो गई। अब आती है बात, महाराज जी ईयरफोन क्यों और मोबाइल क्यों? असल में होता ये कि हम ये सोचते हैं हम दो घंटे पढ़ लिए, चार घंटे पढ़ लिए, छः घंटे पढ़ लिए, तो ऐसा लगता है ऊब रहे हैं, अब हम कुछ दूसरी चीज़ देखें। अब जब दूसरी चीज़ देखने के चक्कर में मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, जब बाहर भटक जाते हैं, होता ये कि हम बाहर भटकते हैं तो वो जो हमने चार घंटे मेहनत करी है बाहर की मूवीज़ में पूरी धुल जाती है, वो पूरा का पूरा चला जाता है। तो क्या करें, आपको क्या करना है, आपके सबके पास मोबाइल, लगभग बड़े लोगों के पास तो है मोबाइल, में अपनी खुद की वॉइस में आपको प्रश्न उत्तर को रिपीट ऐसा करना है, खुद बोलना है प्रश्न फिर उत्तर, और ऐसे समझना है कि इतना बड़ा पूरा क्लासरूम बैठा है उसमें मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, और अपनी वॉइस में उसको समझाते हुए आप उसको पूरा रिकॉर्ड करना, और जब आपका मन ऊब जाए तो अपनी खुद की वाणी को कान में फंसाना और सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा अपनी खुद की आवाज़। यहाँ वहाँ की चीज़ मत सुनना, मूवीज़ या गाने मत सुनना, उसको नहीं देखना, आपको क्या सुनना है वो सुनना है, तो आपको आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आप कुछ अलग से भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, आप बताओ जब पूरे शरीर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है तो एक छोटी सी गोली हम लेते हैं पेन किलर, वो पूरे शरीर को दर्द ख़त्म कर देती है ना, कर देती है ना। ऐसी हम चार घंटे मेहनत किए लेकिन 15 मिनट हम आधा घंटा मूवीज़ देख ली, क्रिकेट देख लिया, दूसरी चीज़ देख ली, और चार घंटे की छोटा सा तो 10 मिनट तो देखे लेकिन 10-15 मिनट में 6 घंटे की पूरी मेहनत हमारी धुल जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर ही हमें बढ़ते चले जाना है, दूसरी चीज़ों का अगर भटकना नहीं है। तो वो जो आपका कान में आपने फंसाया है उससे आप अपने टाइम को पास कर सकते हो, उससे आप दूसरी बात दूसरी तरफ आपका ध्यान भटकेगा नहीं, और लगता है हम कहीं भीड़ भाड़ में भी हैं तब भी आप उसको सुन सकते हो, कहीं 100 लोगों के बीच में तब भी आप उसको सुन सकते हो, और पूरा सुबह से लेकर शाम तक रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत कठिन है लेकिन वो कठिन सब्जेक्ट भी सरल बन जाएगा, वो जो ड्राइंग्स बनाई है हमने वो ड्राइंग्स हंसी खेल में हम देख लेंगे और हमें पूरे दिमाग में उतर जाएगी, वो जो वाइज जो हमने करी है रिकॉर्ड वो भी हम हंसी खेल में चलते चले आएंगे, और वो जो छोटी डायरी है उस छोटी डायरी के माध्यम से भी हम सुबह से लेकर शाम तक अगर लक्ष्य करेंगे कि सब्जेक्ट को रिवाइज करना तो हो जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो 2 महीने पहले हमने अब लगातार तो सब सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं, अब 2 महीने हमने बाद उस सब्जेक्ट के लिए हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि याद रहेगा नहीं रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, तो वो सबसे अच्छा है। हम तो 7-8 दिन में अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे, जब रिवाइज कर लेंगे वो पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास जाग जाएगा।